रुड़की के अगले विधायक पार्टी तय करेगी। विधायक प्रदीप बत्रा जी सारा घोषणा करवा रहे हैं। अगर अगर जनप्रतिनिधि अनिल जी होंगे या सुनील सानी होगा तो मुख्यमंत्री जब भी आएंगे तो इसी मंच से उसी तरह से घोषणा करेंगे। कार्यक्रम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यक्रम था और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक प्रदीप बत्रा जी है निश्चित रूप से विधायक जी क्योंकि जनप्रतिनिधि है तो उनकी प्रमुख भूमिका रहती है और संगठन के साथ चलकर ये कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री क्योंकि मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रथम बार उनका रुड़की आगमन है उनके स्वागत के लिए और रुड़की को वो सौगात देने के लिए यहाँ पर आए हैं माननीय मुख्यमंत्री का अभिनंदन। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या ये जो इसका उद्देश्य है इसका उद्देश्य 2022 से जोड़ दिया जाए? इसका उद्देश्य 2022 से बिल्कुल भी मैं नहीं मानता जुड़ा है। नहीं, लेकिन यतीन्द्रनाथ गिरी के महाराज कहते हैं कि इसका उद्देश्य 2022 का ही है। निश्चित रूप से आने वाला समय चुनाव का है। अब जनता उसको किस तरह से देखती है, जनता उसको चुनाव की दृष्टि से देखती है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी जो कार्य कर रहे हैं वो उत्तराखंड के विकास की ओर, उत्तराखंड विकास की ओर बढ़े उसकी ओर कार्य कर रहे हैं। उनके मन में ये कोई संशय नहीं है कि 2022 में चुनाव होंगे और चुनाव में वो क्या होगा क्या नहीं होगा। निश्चित रूप से पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे और एक युवा सोच जो आज उत्तराखंड में ये दिखा रहे हैं कि अभी तक जो कार्य कभी भी किसी ने नहीं किए वो एक युवा सोच जो है वो उत्तराखंड के विकास के लिए कटिबद्ध है। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आखिर प्रयोजन आप क्या मानेंगे? बेसिकली देखिए ये 2022 का संदेश 2022 से संबंध नहीं है क्या? देखिए 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं और निश्चित रूप से प्रत्येक राजनीतिक दल अपने तरीके से चुनाव की तैयारी करता है। ये तैयारी है ना? तैयारी है, क्यों नहीं तैयारी है? पूरी तरह से तैयारी है। सारी जी सही कह रहे हैं, लेकिन मेरा कहने बताइए कि 2022 में चुनाव होने हैं लेकिन हमारे युवा मुख्यमंत्री ने जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं तब से जो उन्होंने अपनी योजनाएं लेकर के आए हैं उन सबका लोकार्पण करने सबको यहाँ जनता को भेंट करने वो आए हैं। अब आप उसको 2022 से जोड़ने चुनाव तो होना ही होना है। तो पहले कर ये सारी क्या इसका मतलब अब 6 महीने काम होंगे ही नहीं? इसका 6 महीने काम होंगे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल चुनाव से आप इसको जोड़ सकते हैं क्योंकि चुनाव के लिए तैयारी हर राजनीतिक दल कर सकता है। इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल निश्चित रूप से 2022 में चुनाव है और मुख्यमंत्री जी को जो विजन है इसीलिए 2022 का नहीं है, लगातार घोषणा हो रही है, लगातार घोषणा हो रही है। विजन है अगले 10 साल में उत्तराखंड का विकास, उत्तराखंड का डेवलपमेंट, उत्तराखंड को पूरे देश में जो है नंबर वन पर लाने का। उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, मैं सीधा बात करता हूं रुड़की की। जी जी जी, रुड़की के विधायक बत्रा जी होंगे अगले। रुड़की के अगले विधायक पार्टी तय करेगी। विधायक प्रदीप बत्रा जी सारा घोषणा करवा रहे हैं। अगर अगर जनप्रतिनिधि अनिल जी होंगे या सुनील सानी होगा तो मुख्यमंत्री जब भी आएंगे तो इसी मंच से उसी तरह से घोषणा करेंगे। देखिए आप हमारे मुंह से कुछ निकलवाना चाहते हैं, हम बिल्कुल ही निकालेंगे क्योंकि पार्टी का प्रत्याशी तय करना भारतीय जनता पार्टी का कार्य है। ये पार्टी का कार्य पार्टी तय करेगी कौन होगा कौन नहीं होगा। अच्छा बता दो विधायक कौन होगा? आप पीछे बैठे वो तो पार्टी की विधायक प्रदीप बत्रा जी नहीं होंगे क्या? नहीं बिल्कुल होंगे, लेकिन पार्टी तय करेगी। पार्टी वो पार्टी का काम है। पार्टी ने अगर थोड़ा सा स्विच देखो सारे विधायक यशस्वी हैं। अभी प्रदीप बत्रा जी ने बहुत अच्छा काम किया है और उन्होंने रुड़की को जो है बहुत मतलब आगे पहुंचाया, लेकिन ये पार्टी का काम है कि विधायक कौन होगा क्या होगा। अभी हम कमल के फूल के लिए काम करेंगे। चल कमल के फूल के लिए काम करेंगे। चलिए